हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनीश कौर फ्रॉम एलपीओ पब्लिक स्कूल गोलाबाजार गोरखपुर। एंड फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर। सो लेट अस नो अबाउट द वेक्टर। एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर दैट इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, एबल टू रेप्लिकेट। वेक्टर एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल, ऐसा डीएनए होना चाहिए जो होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद उसमें रेप्लिकेशन हो सके। मीन्स वन डीएनए जो है कॉपी बना करके टू डीएनए में कन्वर्ट हो सके। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया गया था। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है या रेप्लिकेशन की एबिलिटी वेक्टर के पास होनी चाहिए। रेप्लिकेशन की एबिलिटी कब होगी? वेयर दे हैव ORI site, okay. Vector will be able to replicate if they have ORI site. ORI site वो ऐसा place होता है जहाँ से replication start होता है। So ORI site का होना is essential for the vector. Second feature of the vector involves the presence of ROP. ROP protein, special protein होता है, ROP should be present. ROP, it is the replacer of protein. Okay, and ROP is responsible for the copy number of the DNA. Genetic material में copy number means किसी भी living organism में और host body में जो DNA पाया जाता है उस DNA का कितना copy number बनेगा, उसके पास ability है, उसके पास जो जीन है बॉट कॉपी नंबर, डीएनए की कितनी कॉपी बनाने की उसके पास एबिलिटी है, ये डिफाइन होता है किसके बेस पर? बेसिस ऑफ आरओपी, रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन जो है ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट फीचर आप जो है लेंगे दैट इज द वेक्टर शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर। वेक्टर शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, व्हाट इज द यूज ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर और व्हाई अ वेक्टर शुड हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर? तो देखिए इसमें होता क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर जो है यह डिफाइन करता है और डिसाइड करता है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, अभी देखिए यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इन दोनों की टर्म को क्लियर करना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि आगे के जितने भी टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे उसमें ये ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट टर्म रेगुलर आपको मिलेगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जब भी वेक्टर या कोई भी डीएनए पार्टिकल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, दैट प्रोसेस का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आप पढ़ चुके होंगे जो कि ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था, वेन द एक्सपेरिमेंट डन टू डिस्कवर और टू आइडेंटिफाई दैट विच इज और विच सब्सटेंस इनसाइड न्यूक्लियस इज द जेनेटिक मटेरियल, कौन सा सब्सटेंस वाला जेनेटिक मटेरियल है उसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट की ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या होता था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया इन टू द आर बैक्टीरिया, तो उसी को क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस सेल को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वैसे ही वेक्टर जो है जिसमें आप वेक्टर में जिसमें आप जो है फॉरेन डीएनए एलियन डीएनए जो पीस ऑफ जीन जो है जीन को इंक्लूड करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, वो जीन के साथ जो है ट्रांसफर होगा, वेक्टर क्या करेगा उस जीन को एलियन डीएनए को जो है वो ट्रांसफर करेगा होस्ट बॉडी में। ओके, इट मींस द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी टेक प्लेस। सो टू एंश्योर दैट इन द ग्रुप ऑफ होस्ट सेल विच वन इज द ट्रांसफॉर्मेंट और विच एंड विच वन इज द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, टू डिसाइड दिस देयर शुड बी अ सेलेक्टेबल मार्कर। इसके लिए जो है एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, इसमें वेक्टर में जो है एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर होते क्या है, तो सेलेक्टेबल मार्कर जो है एक तरह के जीन होते हैं जो कि
ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और ये जीन किस तरह का होता है, सो दैट सेलेक्टेबल मार्कर कंटेन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज वेल एज द एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। ओके, ये दो तरह के जीन इसमें सेलेक्टेबल मार्कर में लिए जाते हैं, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। दीज आर द मोस्ट कॉमन सेलेक्टेबल मार्कर विच आर यूज्ड इन यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर इन द वेक्टर। इसी वेक्टर में जो है सेलेक्टेबल मार्कर के तरह यूज किया जा सकता है। एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन में जो मोस्ट कॉमन जीन वो है यूज किया जाता है, इट इज द ब्लैक जेड जीन। ब्लैक जेड जीन जो है ये प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम जिसको होते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है यह एक एंजाइम होता है जो कि इसके द्वारा ब्लैक जेड जीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सो ब्लैक जेड जीन को भी अगर हम सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में चाहे तो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी यूज किया जाता है। अब ये कैसे, द नेक्स्ट फीचर इट इज दैट इट शुड हैव अ रेस्ट्रिक्शन साइट। फोर्थ फीचर दैट इट शुड हैव रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट का होना अभी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। रेस्ट्रिक्शन साइट रहेगा तभी जो है ये क्या करेगा, विद ऑन द प्लेस एट द प्लेस ऑफ एट द प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट देयर विल बी द एंडोन्यूक्लियस एक्ट टू कट द चेन ऑफ डीएनए। चेन ऑफ डीएनए होगा क्या कि एलियन डीएनए को जो है वेक्टर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं होस्ट सेल। सपोज ये आपका है, क्या है, यह आपका वेक्टर, सपोज ये कोई वेक्टर है, सिंपली जो है प्लाज्मिड को वेक्टर दिया जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरियल सेल। तो ये मान लीजिए वेक्टर है और एलियन डीएनए ये छोटा सा एलियन डीएनए है। ओके, ये छोटा सा एलियन डीएनए, अब इस एलियन डीएनए को जब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वेक्टर में ऐड करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए। और सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर एंडोन्यूक्लियस का फीचर कल वाली क्लास में आपको बताया गया था, दैट कि मॉलिक्यूलर सीजर और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेक अ कट ऑन बोथ द डीएनए सेगमेंट, दैट इज वेक्टर एज वेल एज एलियन डीएनए। वो सेम जो है रेस्ट्रिक्शन साइट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा वो वेक्टर और एलियन डीएनए दोनों का पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है, सेम होता है, उसी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ये कट लगाते हैं। तो तभी जो आपका स्टिकी एंड बनेगा वो आसानी से एलियन डीएनए को क्या करेगा, इसमें ला करके जोड़ देगा उसमें वेक्टर डीएनए में। वो यहाँ पे वेक्टर डीएनए को कट किया गया, यहाँ पे छोटा सा इसको फैला करके ये स्पेस बन गया। अब इसी स्पेस में क्या होगा, एलियन डीएनए आकर के इसी में ऐड हो जाएगा। तो कट लगाने के लिए जो है एक रिस्ट्रिक्शन साइट का होना भी जरूरी होता है, किसमें, वेक्टर में। एंड द नेक्स्ट इज द वेक्टर शुड बी स्मॉल इन साइज। वेक्टर का साइज होना चाहिए स्मॉल साइज होना चाहिए, दैट एंश्योर और दैट मेक द ट्रांसफॉर्मेशन इजिली। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन को आसान बनाने के लिए वेक्टर का साइज जो है स्मॉल होना चाहिए, दैट शुड बी स्मॉल इन साइज। सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ अ वेक्टर थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस और थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक प्लेस एंड देन दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेक एबल टू ट्रांसफॉर्म इन टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में उसको आसानी से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब हम कुछ वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कुछ वेक्टर को हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे जिसको यूज किया जाता है एज अ यूजुअल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें आपका जो है जो कॉमन वेक्टर जो आपके सिलेबस में दिया है विथ अ डायग्राम, अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ वेक्टर, इसको हम बोलते हैं PBR। ओके, PBR 322। तो इसी के स्ट्रक्चर और उसके फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, अगला जो है स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वेक्टर दैट इज PBR 322। तो इसमें आपका पी स्मॉल पी जो होता है इट इज स्टैंड फॉर प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है प्लाज्मिड।
ओके फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर जिसमें पी स्टैंड करता है प्लाज्मिड एंड बी कैपिटल बी स्टैंड फॉर यहां पे स्मॉल पी लिया हुआ है उसके बाद कैपिटल बी कैपिटल आर सो कैपिटल बी स्टैंड फॉर बॉलीवर कैपिटल बी का मीनिंग होता है बॉलीवर बॉलीवर जो है साइंटिस्ट का नेम है उसके बाद है आपका आर तो आर स्टैंड करता है रॉड्रिज रॉड्रिज ओके रॉड्रिज प्लाज्मिड वॉलीवर रॉड्रिज इसका ये पूरा नाम है 322 ओके तो अब इसका जो है स्ट्रक्चर हम बना करके देखते हैं उसके बाद इसमें समझ में आएगा आपको सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीवीआर 322 फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर पहली बार जो वेक्टर आर्टिफिशियल वेक्टर बनाई है इसका ये डायग्राम है तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सी चीजें लेवल की गई हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ओआरआई साइट और आरओपी ये जो आपका साइडेड गो रीजन दिख रहा है इसमें ये जो लेफ्ट वाला राइट साइड वाला पार्ट है दिस इज द ओआरआई साइट ओके हियर इज द ओआरआई साइट यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और ये आपका है आरओपी ओके रिप्लेसर ऑफ प्रोटीन उसके बाद जो है दो चीजें और यहाँ पे लेवल किया गया है अंदर की तरफ दैट इज अबाउट द सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर जो है यहाँ पे यूज किया गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है दो लिया गया है एक आपका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन ओके एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट इसको एएमपी उसके बाद ऊपर जो है स्मॉल आर लगा दिया है और दूसरा जो लिया गया है ये इस वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द रीजन फॉर और एरिया ऑफ रेजिस्टेंट जीन और सेलेक्टेबल मार्कर तो यहाँ पे दूसरा जो है दैट इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एम्पीसिलिन ये दोनों क्या होते हैं एंटीबायोटिक होते हैं और इसके जीन को जब वेक्टर में डाल दिया जाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को स्पेशली देखिए होता क्या है कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें रेजिस्टेंट जीन पहले डेवलप नहीं करते बाद में चलकर जब इनको जो है एंटीबायोटिक को एक्सपोज होते हैं इफ दे विल एक्सपोज टू द एंटीबायोटिक देन देयर विल बी एबिलिटी टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस एबिलिटी जो किसी वजह से इसमें डेवलप होता है तो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड प्लाज्मिड इसमें पाया जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में उसमें एक टाइप होता है प्लाज्मिड का आर प्लाज्मिड सो आर प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है इसमें रेजिस्टेंट डेवलप तो ये फोर प्लेसेस है जो कि स्पेशली इंडिकेट कर रहा है ये जो है सेलेक्टेबल मार्कर को दोनों इंडिकेट कर रहा है इसका जीन है यहाँ पे और ये आपका ओआरआई साइट ओआरआई साइट रहना जो है सॉरी वेक्टर के लिए जरूरी होता है क्योंकि ओआरआई साइट रहेगा तभी जो है होस्ट बॉडी में एंटर करने के बाद वो क्या करेगा रेप्लिकेशन करेगा रेप्लिकेशन करेगा तो कॉपी नंबर ऑफ डीएनए जो है इंक्रीज होगा कॉपी नंबर बढ़ेगा और वो आरओपी जो है वो भी जो है कॉपी नंबर इतने कॉपी नंबर जो है उसमें होने चाहिए उसके लिए आरओपी रिस्पॉन्सिबल होता है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बाहर की तरफ भी कुछ चीजें आप समझ रही होंगी ये जो है तो ये यहाँ पे जो है हिंड सेकेंड तो हिंड सेकेंड किसे लिया गया है एक ऐसी बैक्टीरिया जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इन्फ्लुएंजी से लिया गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से लिया गया बैम तो बैम जो लिया गया है इट इज फ्रॉम बैसिलस हिमायोलिक लिया गया है बैसिलस हिमायोलिक उसके अलावा जो है ये लिया गया आपका सेल एस ए एल वन ये आपका दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस स्ट्रेप्टोकोकस एल्बस से इसको लिया गया है उसके अलावा एक और आपका यहाँ पे जुड़ेगा पी वी इन सेकेंड इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा और अपोजिट साइड में ये EVU second, EVU first जो है यहाँ पे प्रेजेंट है इसका कैलिफोर्निक वीडियो का एक्सपीरियंस और EVU का जो है EVU second का जो है यहाँ पे प्रेजेंट है तो EVU जो है ये आपका दिया गया है प्रोटियस वर्गेरिस प्रोटियस वर्गेरिस से इसको लिया गया है तो ये सेकेंड ऑर्डर एंजाइम है सेकेंड टाइम जो है इसको निकाला गया इसके सेकंड लिखा गया है और यहाँ पे जो है फर्स्ट लिखा गया तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है जाएगा पीवीयू फर्स्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर है और ये जो है सेकंड ऑर्डर है उसके अलावा जो है
अगला है आपका PST1। PST1 में जो है इसको लिया गया है प्रोविडेंसिया स्टुअर्ट, प्रोविडेंसिया स्टुअर्ट, प्रोविडेंसिया स्टुअर्ट बैक्टीरिया से इसको लिया गया है। इसलिए इसका जो है PST लिखा गया है, P फॉर प्रोविडेंसिया एंड ST फॉर स्टुअर्ट। ओके, PVU फर्स्ट जो है इसी से दो टीएस वन यही से रहा है, उसके बाद है E2R1 इसको लिया गया है इसका कोलाई, जो है लिया गया है कुरियोकोनन लैक्टस, कुरियोकोनन लैक्टस। ओके, तो ये सारी जो है बैक्टीरिया से ही इसको निकाला गया है, क्योंकि स्पेशली आपको बताया गया था कि बैक्टीरियल सेल के पास एक स्पेशल डिफेंस सिस्टम पाया जाता है, डिफेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस अलोंग विद द इथाइलेटिंग एजेंट। तो ये स्पेशल डिफेंसिव कॉम्प्लेक्स करता क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया ओके फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज से बचाने का काम करता है, या बैक्टीरियोफेज जो कि इन्फेक्शन करते हैं बैक्टीरिया में उससे प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं रेस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस। मतलब ये सारे जो बैक्टीरिया से निकाले गए एंजाइम होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर सीजर का काम करते हैं, मतलब वेक्टर पर और जो आपका एलियन डीएनए हो रहा है, एलियन डीएनए का मतलब डिजायर्ड जीन जो कि किसी डीएनए से उसको निकाल करके इसमें ट्रांसफर कराया जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, ओके आर्टिफिशियल फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है। इसके अलावा दूसरा आपको बता दें कि द PUC, ओके PUC जो है एक आपका आदर वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिन, इसका क्या होगा प्लाज्मिन, ई फॉर प्लाज्मिन और यू फॉर PUC नहीं यहाँ पे होगा PCU, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। ओके, तो यह एक ऐसा वेक्टर है जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जो है इसको बनाया गया था, तो इसलिए इसको बोला गया PCU, ओके प्लाज्मिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। अगला जो है ये आपका टी आई प्लाज्मिन, तो टी आई प्लाज्मिन जो होता है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिन होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग मतलब ये ऐसी बैक्टीरिया से निकाला जाता है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस करने को ट्यूमर इंडक्शन का काम करते हैं। मीन्स जब प्लांट को ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं तो ऐसे प्लांट में सेल का बहुत तेजी से डिवीजन शुरू होता है और मास ऑफ सेल बनते हैं, तो ये किस बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एग्रो बैक्टीरियम से इसको निकाला गया है टी आई प्लाज्मिड को। और ये करता क्या है, इट इंड्यूस सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को ये इंड्यूस करता है, इसके वजह से जो है सेल बहुत तेजी से डिवाइड करना शुरू करते हैं और सेल जब डिवाइड करते हैं तो मास ऑफ सेल बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द ट्यूमर, जो कि एनिमल के केस में आप रहेंगे। ओके, और ये इसका होस्ट जो होता है प्लांट होता है। मीन्स अगर हमको प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्मेशन कराना है वैसे में टी आई प्लाज्मिड को यूज किया जा सकता है एज अ वेक्टर, वेक्टर के रूप में जो है टी आई प्लाज्मिड को यूज किया जा सकता है। उसके बाद है अगला आपका आर आई प्लाज्मिड जो होता है इसको हम बोलते हैं रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। रूट इंड्यूसिंग जो है ये करता है, इसका जो है निकाला नाम क्या है, इज रूट इंड्यूसिंग फ्रॉम एग्रो बैक्टीरियम राइजोगा, एग्रो बैक्टीरियम राइजोगा ये बैक्टीरिया है जिसे जो है इसको निकाला गया है आर आई प्लाज्मिन को, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिन, रूट इंड्यूसिंग। ओके,
और उसके बाद है आपका बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेजेस भी आपको बताएगा कि क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। मीन्स बैक्टीरिया में अगर ट्रांसफॉर्मेशन कराना है तो बैक्टीरियोफेज मे बी द स्टेबल वेक्टर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियोफेजेस की प्रॉपर्टी आपको बताया गया था प्रीवियस चैप्टर में, दैट बैक्टीरियोफेज हैज एबिलिटी टू ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल बाय लीविंग इट्स प्रोटीन कवरिंग आउटसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट सेल। होस्ट सेल भी ऊपर जो है प्रोटीन को छोड़ करके और जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करा देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं इन होस्ट सेल। तो इस तरह से होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के बाद जो है वह डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है बहुत तेजी से और नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज बनाता है बैक्टीरिया की बॉडी में। कोई वो बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर निकल करके नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, आगे बता दे रहे हैं वाई के सी ये आपका है वाई फॉर ईस्ट। तो ईस्ट से जो क्रोमोसोम निकाला जाता है इसको हम बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को भी हम वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका यूज जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में HGP जब आपको बताया गया था तो वहां पे YAC और DAC ये दोनों चीज आपका BKC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये दोनों का यूज जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म करके उसके बाद उसको जो है सिक्वेंसिंग किया जाता है DNA के सेगमेंट का। उसके अलावा जो है एक है आपका पॉसमिल, पॉसमिल इज अनदर वेक्टर विच इज यूज अराउंड विद द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के साथ जो है जब पॉस साइट जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉसमिल और प्लाज्मिड प्लस पॉस साइट भी एक तरह का है वेक्टर का काम करता है। अगला आपका फैजमिड, तो फैजमिड जो होता है आपका ये आपका होता है प्लाज्मिड में जब हम प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफेज व्हेन प्लाज्मिड एडेड विद द बैक्टीरियोफेज दैट कंडीशन इज नोन एज फैजमिड। सो फैजमिड इज ऑल्सो another kind of vector. These are the different types of vector which can be used for transformation of alien DNA into the